Assalamu alaikum, my dear students of grade 4. I hope all of you will be fine. I am your SST teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Palwa. Today we are going to start our lecture number 2. So students, lecture number 2 start karne se pehle previous lesson ko ek dafa revise kar lein aur mujhe bataein ki humne previous lesson mein kya padha tha. तो मेरे साथ साथ रिपीट करें आप लोग. हमने पढ़ा था हिंदूस के बारे में और हमने पढ़ा था ब्रिटिश के बारे में. तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि हमने हिंदूस के बारे में और ब्रिटिश के बारे में क्या पढ़ा था. हमने कहा था कि सब कॉन्टिनेंट में अनडिवाइडेड इंडिया में जो हिंदूस थे वो मेजोरिटी में थे और हमारे एनिमीज थे, ऐसे ही पढ़ा था. और ब्रिटिश क्या थे? रूलर्स थे, हुक्मरान थे. और ये दोनों जो थे ये मुस्लिम्स की फ्रीडम के अगेंस्ट थे. इसके अगेंस्ट थे, मुसलमानों के अगेंस्ट थे, ऐसा ही पढ़ा था हमने. जी बिल्कुल, हमने कहा था ये मेजोरिटी में है हिंदूस और रूलर्स हैं ब्रिटिश. और इन दोनों ने क्या किया था, जैसे ही मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा किया तो ये दोनों मुसलमानों के खिलाफ हो गए. तो ऐसी सिचुएशन में मुसलमानों ने एक पार्टी की जरूरत महसूस की. मुसलमानों ने सोचा कि ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हमारे राइट्स को, हमारे हकूक का तहफ्फुज करे. तो बेटा उन्होंने एक पार्टी बनाई जिस पार्टी को ऑल इंडिया मुस्लिम कहा जाता है. ये पार्टी किसकी थी? वेरी गुड, ये पार्टी मुसलमानों की एक जमात थी जो कि किस लिए बनाई गई थी. ये पार्टी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी. किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी. ये पार्टी किसी को पता है कब बनाई गई थी? ये पार्टी बनाई गई थी 1906 में. किस जगह पर बनाई गई? ढाका में बनाई गई. ग्रेड 4 को आज एक नई चीज़ पता चली कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पर बनाई गई थी? 1906 में ढाका में बनाई गई थी. और इस पार्टी का पर्पस क्या था? फ्रीडम हासिल करना. इस पार्टी का क्या मकसद था? हिंदू से और ब्रिटिश से फ्रीडम हासिल करना. नाउ ओपन योर एसएसटी बुक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन डे डेट एंड द यूनिट नंबर 1 इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की तारीख के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पर अपनी फिंगर्स रखें. आप पार्टी नेम द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. उस पार्टी का नाम क्या था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था. वाज फॉर्म्ड, बनाई गई थी टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए राइट्स, हकूक ऑफ द मुस्लिम्स, जो कि मुसलमानों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी. इट वाज फॉर्म्ड, ये बनाई गई थी इन 1906 एट ढाका. ये 1906 में ढाका के मकाम पर बनाई गई. द ऑब्जेक्टिव्स, इसके मकसद थे ऑफ द पार्टी, जमात के, वर टू गेट, हासिल करना फ्रीडम, आज़ादी फ्रॉम द ब्रुटैलिटी ऑफ द ब्रिटिश एंड हिंदूज मेजॉरिटी. किससे? ब्रिटिश की, ब्रिटिश से जो जुल्म करते थे उससे, और हिंदूज की जो मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा तादाद में थे उससे. द मुस्लिम्स वांटेड टू गेट, मुसलमान चाहते थे टू गेट, हासिल करना फ्रीडम, आज़ादी फॉर गेटिंग सेपरेट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट. बाय गेटिंग सेपरेट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट. ये लोग कैसे आज़ादी हासिल करना चाहते थे? अपनी एक अलग आज़ाद रियासत हासिल करके. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड. स्ट्रगल्ड होता है जद्दोजहद करना. वेरी हार्ड, बहुत सब, टू अचीव, हासिल करने के लिए His goals, इसके मकासद को हासिल करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बहुत सख्त मेहनत की. यहाँ तक आज की रीडिंग करेंगे हम. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक्स ऑफ एसएसटी, राइट डे डेट, टिक द होमवर्क एंड द टॉपिक इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉर द मुस्लिम्स एंड वेन. विच, कौन सी पार्टी, जमात, वाज फॉर्म्ड, बनाई गई थी फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, एंड वेन और कब. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सी पार्टी बनाई गई थी. वेरी गुड. तो बेटा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड
in 1906 at Dhaka. All India Muslim League कहाँ बनाई गई थी? 1906 में ढाका में बनाई गई थी. तो क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग लगाएं, माय डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के क्या मकासद थे? यस, वेरी गुड. क्या मकासद थे? मुस्लिम लीग के मकासद थे फ्रीडम हासिल करना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग वाज टू गेट फ्रीडम. फ्रीडम मीन आज़ादी. मुस्लिम लीग के मकसद क्या थे? आज़ादी हासिल करना. उसके बाद बेटा आप लोग नेक्स्ट पेज खोलेंगे और उसमें आप लोग डे डे राइट करेंगे. राइट डे डे, टिक द होमवर्क एंड द टॉपिक इज वर्ड्स मीनिंग्स. ड्रा मार्जिन लाइन. लाइन की एक तरफ राइट करें वर्ड्स और लाइन की दूसरी तरफ राइट करें मीनिंग्स. वर्ड्स मीनिंग्स एंड द फर्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्टिव, मतलब होता है मकासित. सेकेंड वर्ड है पार्टी. पार्टी मीन, वेरी गुड. पार्टी का मतलब होता है जमात. थर्ड वर्ड है प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करना. ग्रेड 4 ने इसको 3 क्लास में भी पढ़ा है. फोर्थ वर्ड है राइट्स. राइट्स का मीन है हकूक. ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, इसको आपने प्रैक्टिस करना है. नोटबुक पे राइट करने के बाद इसको लाजमी रेफ्रिजरेटर पे प्रैक्टिस करना है और मामा को सुनाना भी है. अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो.